यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल के घराने से यह पहेली और दृष्टांत कह। प्रभु यहोवा यो कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पक्षी ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ दिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेती में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू की नाई लगाया और वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी सोर उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फूटने और पत्तों से भरने लगी। फिर और एक लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी सोर फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे, परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखाएं फूड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। सो तू यह कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उसको जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। चाहे वह लगी भी रहे तो भी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी? वह तो जहां उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, उस बलवा करने वाले घराने से कह, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कह, बाबुल के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और प्रधानों को लेकर अपने यहां बाबुल में पहुंचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई और देश के सामर्थी पुरुषों को ले लिया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने में स्थिर रहे। तभी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र देश में भेजकर उससे बलवा किया, क्या वह फूले फलेगा? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके यहां जिसने उसे राजा बनाया था अर्थात बाबुल में ही वह उसके पास ही मर जाएगा। और जब वे बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मंडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता न करेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, सो वह बचने न पाएगा। प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है। यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा और मैं उसको बाबुल में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है, और उसके सब दलों में से जितने भागे वे सब तलवार से मारे जाएंगे और जो रह जाए सो चारों दिशाओं में तीतर बीतर हो जाएंगे। तब
तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। फिर प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इसराइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। सो वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है।